नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 4 मई। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि बिहार में प्रभावितों की संख्या अब 500 को पार कर 517 हो गई है। वहीं बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी किए गए 6ठे अपडेट के मुताबिक 36 कोविड 19 मरीज की पुष्टि हुई है। वहीं प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि पाए गए सभी प्रभावितों में लगभग मरीज भागलपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और बक्सर जिले के हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए प्रभावित सभी इलाके को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया को तेज करने की अपील की है। राजधानी पटना एम्स और एनएमसीएच में फूलों की हुई बारिश। राजधानी पटना में कोविड 19 वॉरियर्स के सम्मान में बीते दिन सुबह पटना एम्स और एनएमसीएच में फूलों की बारिश की गई है। हेलीकॉप्टर से इन दोनों जगहों पर फूलों की बारिश हुई है। कोविड 19 से जारी जदोजहद में एक योद्धा की तरह डॉक्टर और उनकी मेडिकल टीम जुटे हुए हैं, जिसकी जानकारी चीफ ऑफ डिफेंस प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पहले ही दे दी थी, जिसके तहत इन महान भारतीयों को उनके निस्वार्थ सेवा के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया है। आज 4 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंचेगी बिहार। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद बीते दिन जयपुर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के पहुंचने के बाद आज एक बार फिर से 4 श्रमिक ट्रेन बिहार पहुंचेगी, जो कि आज दानापुर स्टेशन पर लगभग 3 और 3:30 बजे के बीच पहुंचेगी, जहां से सभी यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और उन्हें खाना खिलाने के बाद बस के माध्यम से उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं राजस्थान के कोटा से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बीते दिन सुबह 11 बजे और रात 9 बजे बरौनी और गया के लिए खुली है, जो कि आज 5:30 बजे सुबह और 12 बजे तक स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद बिहार पहुंचने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पटना मेट्रो के कोच के आकार में होगा बदलाव। पटना मेट्रो के डिब्बों का आकार अब बदलेगा। खबरों की माने तो पटना में चलने वाले मेट्रो के डिब्बे और चौड़े होंगे। इसे अब 2900 से बढ़ाकर 3200 mm किए जाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रस्ताव पर सहमति बना दी गई है, जिस पर अंतिम मुहर अगली बोर्ड की बैठक में लगेगी। वहीं NH मेट्रो के अलाइनमेंट निर्माण के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सहमति दे दी है, जिसके तहत अब मेट्रो जमीनी सतह से 12 मीटर से 10 मीटर ऊपर चलेगी, जिसके बाद अब पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी जल्द शुरू होगा, जिसके लिए विशेष टीम के गठन के साथ ही 2 भी मुहैया करवा दिए गए हैं। आपको बता दें, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट बदलने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अब कोच के आकार को बदलने का प्रस्ताव दिया था। बिहार बॉर्डर से जिला और प्रखंड मुख्यालय में बसों से भेजे जाएंगे प्रवासी। बिहार बॉर्डर पर आए प्रवासी मजदूर, छात्र छात्राओं व अन्य लोगों को बस और अन्य वाहनों की मदद से घर भेजने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत फिलहाल पटना से विभिन्न बॉर्डर पर 100 बस भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जिलों में 300 बसों को भेजने की तैयारी की गई है। अगर बसों की संख्या कम पड़ जाती है तो आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाए जाने की बात भी कही गई है। इस बारे में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा एवं दरभंगा में ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए हैं। यहां से छोटे वाहनों से विभिन्न ब्लॉक में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं इसके लिए सभी DM को अविलंब अपने जिले में वाहन कोषांग खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कक्षा 6ठी से 12वीं तक के छात्रों की आज से दूरदर्शन पर होगी पढ़ाई। कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है और यही कारण है कि छात्रों के समय का सदुपयोग करने के साथ ही समय पर सिलेबस को कंप्लीट करने की मंशा रखते हुए सरकार ने दूरदर्शन पर कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों को पढ़ाने का ऐलान जारी किया है, जिसकी शुरुआत आज से ही होगी, जिसके लिए बिहार शिक्षा परियोजना ने मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम तैयार किया है। वहीं इस परियोजना से संबंधित सभी जानकारी से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व स्कूल के प्राचार्य को अवगत करवा दिया गया है। बिहार नेशनल हेल्थ मिशन ने रिक्तियों पर आवेदन की तारीख बढ़ाई। बिहार नेशनल हेल्थ मिशन ने अलग अलग पदों पर अप्लाई करने के लिए कुछ समय पहले कुल मिलाकर 70 पदों पर आवेदनों की मांग की थी, जिसके लिए सभी अभ्यर्थियों से 9 अप्रैल तक आवेदन मांगे गए थे, मगर अब कोविड 19 के बढ़ते असर को देखते हुए नेशनल हेल्थ मिशन ने अप्लाई करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा निकाली गई रिक्तियां मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, सीनियर लैब टेक्नीशियन और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के हैं। इच्छुक उम्मीदवार NHM बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी ले सकते हैं। बाहर फंसे लोगों को भरना होगा जरूरी फॉर्म। बाहर फंसे लोग जो अब घर वापसी के लिए इच्छुक हैं और तत्पर हैं, उन्हें सरकार द्वारा जारी किए गए हर जरूरी दिशा निर्देश का पालन करना होगा, जिसके तहत बिहार वापस लौटने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को अब covid19.bihar.gov.in पर जाकर पहले तो आवेदन भरना होगा, उसके बाद ही वैसे नागरिकों को पास या ट्रेन का टिकट मुहैया करवाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार सरकार ने यह लिंक जारी किया है। वहीं सभी यात्रियों के लिए नोडल अधिकारियों के फोन नंबर भी जारी किए हैं, जिसके तहत अब सभी यात्री 0612-2294204, 0612-2294205 पर कॉल करके वापस लौटने की सभी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
प्रवासी बिहारी मजदूरों को रोजगार देंगी बिहार सरकार। उक्त जानकारी ग्रामीण कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि प्रवासी मजदूरों को रहने खाने की व्यवस्था देना, साथ ही अगर बंद की अवधि बढ़ती है तो इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार भी मुहैया करवाना। इसके लिए बिहार सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली है। सरकार प्रवासी बिहारी मजदूरों के लिए हर संभव प्रयास कर उन्हें अपने ही राज्य में रोजगार देने की योजना बना रही है। वहीं बिहार लौटने वाले सभी कामगारों से उन्होंने अनुरोध करते हुए सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करने की अपील की है। वहीं चिकित्सकों के द्वारा दिए जा रहे सलाह को भी मानने का आदेश जारी किया है। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच बिहार के किसानों को मिलेगा अनुदान। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी राहत भरी खबर सुनाई है, जिसके तहत सरकार बिहार के लगभग 3.5 लाख किसानों को फसल सहायता अनुदान देगी। सरकार ने अनुदान के तौर पर 247 करोड़ रुपए देने का ऐलान जारी किया है, जिसकी जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने देते हुए यह बताया है कि बंद और कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच प्राकृतिक कारणों की वजह से बर्बाद हुई फसलों के लिए भरपाई के तौर पर पहले ही 578 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और अब बंद के बढ़ने के कारण और फसल की उपज को देखते हुए 247 करोड़ रुपए का भुगतान कर किसानों को दिया जाएगा। अब कोरोना की जांच रिपोर्ट के लिए भागलपुर को पटना पर निर्भर नहीं रहना होगा। रविवार से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना की जांच होनी शुरू हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी करते हुए इसका शुभारंभ कर दिया है, जिससे कि अब जांच शुरू होने से कोरोना संबंधित रिपोर्ट 1 से 2 घंटे के अंदर मिल जाएगी। इससे संक्रमित मरीजों के इलाज में तेजी आएगी। आपको बता दें, अब तक भागलपुर में कोरोना की जांच की सुविधा नहीं थी। यहां से सैंपल को जांच के लिए पटना भेजा जाता था। रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते थे, जिससे मरीज के इलाज में विलंब हो जाता था। कोविड-19 के बढ़ते असर के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आए पार्टी के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना के बढ़ते असर के बीच जदयू के जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय संगठन प्रभारियों की याद आई है। चुनावी साल में जदयू के लिए जिला अध्यक्ष हो या प्रखंड अध्यक्ष, इनकी भूमिका काफी मायने रखती है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी के साथियों से बातचीत कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। वहीं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी संगठन के लोगों से फीडबैक भी लिया है, जिसके तहत सभी अधिकारियों से सरकार द्वारा और कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श किया गया है। फोन ज्यादा आने से हेल्पलाइन नंबर हुए क्रैश, अब नए नंबरों पर कीजिए कॉल। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा शनिवार को जारी किए गए नोडल अफसरों के मोबाइल नंबरों पर हजारों की संख्या में फोन कॉल आए हैं, जिससे कि वो क्रैश हो गए हैं, जिसके बाद अब विभाग ने लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे लोगों की सहायता के लिए नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि बिहार के बाहर फंसे श्रमिक और छात्र छात्राओं जो वापस आना चाहते हैं वो 0612-2294204, 0612-2294205 पर संपर्क कर अपनी वापसी से संबंधित रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, साथ ही किसी भी तरीके की जानकारी ले सकते हैं। बिहार के सभी जिले रेड और ऑरेंज जोन में। जहां बिहार में बीते दिन सभी जिलों को 3 अलग-अलग जोन में बांटा गया था, वहीं अब बीते दिन बिहार में सभी जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया है, जिसके तहत या तो अब आधे से ज्यादा जिले रेड जोन होंगे, नहीं तो वहीं बाकी ऑरेंज जोन में आएंगे। वहीं प्रशासन ने इस हिसाब से अलग अलग इलाके के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत रेड जोन में सख्ती का पालन करने की अपील की गई। वहीं ऑरेंज जोन में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए मापदंड के आधार पर यह कहा है कि ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन, स्पा और सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। सिवान में एक बार फिर मिला कोविड-19 से प्रभावित। बिहार के सिवान जिले में जहां बीते कुछ दिनों से कोविड-19 प्रभावितों की संख्या नहीं देखने को मिल रही थी, वहीं एक बार फिर से बीते दिन कोविड-19 का नया मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन सख्ती में आ गई है। खबरों की माने तो सिवान में एक 60 वर्षीय व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर पूरे इलाके को बंद करने का ऐलान जारी किया है। पूर्वी चंपारण में 6 दिन के बाद मिले कोविड-19 से प्रभावित। सिवान के बाद पूर्वी चंपारण में भी लंबे समय बाद कोविड-19 से मिले प्रभावित व्यक्तियों ने सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। खबरों की माने तो बीते दिन पूर्वी चंपारण में लगभग 4 कोविड-19 से प्रभावित मिले थे, जिसके बाद अब जिले में कुल प्रभावितों की संख्या 8 हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अधिकारियों के साथ की गई समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को कोविड-19 के बढ़ते असर को देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत उन्होंने समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए सभी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय बनाए जाने का आदेश दिया है। वहीं बिहार आने वाले इच्छुक लोगों को कोई समस्या न हो, इसकी गारंटी लेने की भी बात कही है। वहीं सभी अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए दूसरे राज्य से आ रहे लोगों के सैनिटाइजेशन का काम ध्यान से करवाने और साथ ही जिन बसों से उन्हें जिले तक पहुंचाया जा रहा है उस बस को सैनिटाइज करवाने की बात कही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि बाहर से आए सभी लोगों को 21 दिनों में क्वारंटाइन में रखा जाए।
बिहार में एक साथ 28 लोगों ने कोविड 19 की परीक्षा की पास। बिहार में जहां एक तरफ कोविड 19 प्रभावित व्यक्तियों के आंकड़े में इजाफा देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले की दर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। बीते दिन बिहार में एक साथ 28 लोगों के ठीक होने की खबर सामने आई है, जिसके बाद बिहार में ठीक होने वालों का आंकड़ा 119 पहुंच गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में दी गई है। टीईटी शिक्षक अपनी मांग पर बने रहेंगे। कोविड 19 के इस माहौल में जहां शिक्षकों से अपनी मांग को छोड़ काम पर लौटने की उम्मीद की जा रही थी, वहीं अब टीईटी शिक्षकों ने अपने पक्ष साफ रखते हुए टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया है कि सभी शिक्षक अपनी मांग पर बने रहेंगे। इसके लिए बीते दिन टीईटी शिक्षक संघ ने अपने सभी शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक भी की थी, जिसके बाद ही यह ऐलान जारी किया गया है। इसके साथ ही 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत पैरा 78 को लागू करवाने के लिए आदेश के एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में संकल्प दिवस के रूप में मनाने का ऐलान जारी किया गया है। आपको बताते इस दिन टीईटी शिक्षक संकल्प दिवस मनाते हुए ट्विटर पर अपनी मांग को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। ट्रेन में छात्रों की संख्या देख बरौनी के लिए दूसरी ट्रेन को किया गया रवाना। बीते दिन कोटा से बरौनी के लिए ट्रेन रवाना हुई थी, मगर छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीते दिन बिहार के लिए दूसरी ट्रेन को भी रवाना किया गया, जिसके तहत लोकसभा स्पीकर और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की। रेल मंत्री की हरी झंडी मिलने के बाद कोटा मंडल रेल प्रबंधक ने तुरंत दूसरी ट्रेन का इंतजाम किया। 3:45 पर एक और ट्रेन को कोटा से बिहार के बरौनी के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। जदयू से निकाले गए नेता और महान राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर तंज कसते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने एक बार फिर से सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यह कहा है कि सिर्फ बंद के ऐलान से कोविड 19 को रोकना संभव नहीं है। बीते 40 दिन में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब ही हुई है, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है और अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं है। अगर केंद्र सरकार को कोविड 19 को रोकना है तो बंद के अलावा और भी कड़े कदम उठाने होंगे और उसका सख्ती से पालन करवाना होगा। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बताया झूठा। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि माननीय उपमुख्यमंत्री जी को जनता से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दरअसल उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन कांग्रेस के एमएलसी और एमपी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में दान नहीं देने की बात कही थी, जिसके जवाब में एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सुशील मोदी आज सबूत दिखाएं कि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि नहीं दी गई है। माननीय उपमुख्यमंत्री जी बेवजह बयानबाजी करके सिर्फ जनता को भटकाने का काम कर रहे हैं। केबीसी 12 को लेकर आई अहम सूचना। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन को लेकर बीते दिन सोनी टेलीविजन ने सूचना जारी की है, जिसके तहत सोनी टेलीविजन द्वारा अमिताभ बच्चन का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने बताया कि कौन बनेगा करोड़पति के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं इस बार के सीजन की भांति कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। वहीं अमिताभ बच्चन ने भी अपने ट्विटर हैंडल से बीते दिन एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने केबीसी के 12वें सीजन की जानकारी दी है, साथ ही सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को भी समझाया है। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल को आई महेंद्र सिंह धोनी की याद। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी काफी लंबे समय से मैदान से दूर चल रहे, वहीं आईपीएल में उनकी वापसी की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि कोविड 19 के बढ़ते असर के कारण प्रशंसकों को उनकी वापसी का थोड़ा और इंतजार करना होगा। वहीं इसी बीच कोविड 19 की वजह से सभी खिलाड़ी अभी घर पर ही हैं और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में भारतीय टीम के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने महेंद्र सिंह धोनी को मिस करते हुए उनके साथ एक तस्वीर शेयर की है। साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि विकेट के पीछे से महान खिलाड़ी की ओर से मुझे तिल्ली बुलाना मिस कर रहा हूं। चहल का ये ट्वीट फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उनके इस पोस्ट पर कई प्रशंसकों ने कमेंट भी किए। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र चौहान ने उपेंद्र कुशवाहा को दी दो टूक नसीहत। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता उपेंद्र चौहान प्रधान सचिव नरेश महतो ने बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा को दो टूक नसीहत देते हुए यह कहा है कि जनसेवा व जनहित से जुड़े मुद्दों में कन्नी काटकर केवल सुर्खियां बटोरकर मीडिया में बने रहने के लिए अलग टिप्पणी कर वाहवाही लेना कोई रालोसपा नेता से सीखे। आज जहां कोविड 19 वॉरियर्स के सम्मान के लिए पूरे देश की जनता उनके समर्पण और लोगों को बचाने में उनकी भूमिका को सलाम कर रही है, वहीं दूसरी ओर रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वायुसेना की ओर से उनके सम्मान में किए जाने पर टिप्पणी कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पीयूष कुमार, गोपाल राय, मीना कुमारी, संगीत कुमार, रामानंद सागर, शैलेंद्र कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, नितेश सिंह, कुमार रवि, आलोक कुमार, प्रभात रंजन। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के सभी जिले को रेड और ऑरेंज जोन में तब्दील किए जाने का फैसला कोविड 19 के रोकथाम में कितना कारगर साबित होगा? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।